नीट स्कॉलर्स आज क्लास 12th चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का डिस्कशन है। मैं डॉक्टर जैदी आपके सामने चैप्टर नंबर 13 को बहुत इजी लैंग्वेज में डिस्कस करूंगा और ये डिस्कशन क्वेश्चन आंसर के टाइप में होगा जिससे कि आपको याद हो जाए। पहला क्वेश्चन है फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, रामदेव मिश्रा। गुड आंसर, रामदेव मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनुअल रेनफॉल फिफ्टीन सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर तक और एनुअल टेम्परेचर है -8 से लेकर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये कौन सा बायोम्स होगा? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, अल्पाइन टुंड्रा बायोम्स, डिजर्ट बायोम्स और ट्रॉपिकल। कौन सा बताते हैं? अल्पाइन टुंड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरमेंट एंड इट्स फिजिकल एनवायरमेंट। इट कंसीडर अंडर द ब्रांच ऑफ इकोलॉजी। पहला ऑप्शन है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कौन सा इसका आंसर है? यस, इसका आंसर है इकोलॉजी। इकोलॉजी, फिर सुनिए एक बार आप, इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच स्टडीज द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया के मेजर बायोम्स कौन कौन से हैं? मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यस, डेसिडुअस फॉरेस्ट, यस, डेजर्ट, मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेजर्ट, सी कोस्ट। पहला था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट और फिर डेजर्ट और फिर क्या है, सी कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड्स पैथोजेंस, प्रेडेटर्स, कॉम्पिटिटर्स। देखिए, बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड्स पैथोजेंस, पैरासाइट्स, प्रीडेटर एंड कंपटीटर। बायोटिक, क्या क्वेश्चन देखिए, बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड्स पैथोजेंस, पैरासाइट, प्रीडेटर एंड कंपटीटर नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए, एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मो रेगुलेटर, मैमल्स और बर्ड्स। यस, मैमल्स एंड बर्ड्स आर द ऑस्मो रेगुलेटर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नो लेपर्ड आर नॉट फाउंड इन
snow leopard are not found in well option. Jammu and Kashmir, China, Kerala forest. बताइए. Kerala. Yes. Snow leopard are not found in Kerala forest. Snow leopard are not found in Kerala forest. Mango tree do not and cannot grow. Mango tree do not and cannot grow. Permafrost region. Germany or Canada. Germany and Canada. Temperate countries. Germany and Canada. Temperate countries like Germany and Canada. Next question. Genetic diversity non-Scandinavian country में ज्यादा होती है या स्कैंडिनेवियन कंट्री ज्यादा होती है? हाँ, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा जो होती है वो नॉन स्कैंडिनेवियन कंट्री में होती है. जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ना. जेनेटिक डाइवर्सिटी का क्वेश्चन, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्वेश्चन पूछे. क्वेश्चन था जेनेटिक डाइवर्सिटी. अच्छा, क्वेश्चन ये था जेनेटिक डाइवर्सिटी. हाँ, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में से ज्यादा किस्म होती है नॉन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में. ठीक है, जो नॉन स्कैंडिनेवियन कंट्री होते हैं उनमें बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप एंड प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप एंड प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आर ऑलमोस्ट सिमिलर. ठीक है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप लेस देन रिप्रोडक्टिव ग्रुप. ठीक है, पिरामिड की शेप आएगा बताइए. शेप, ऑप्शन. पिरामिड का शेप बताए कौन सा होगा? ऑप्शन आर्न शेप. आर्न, यू आर एन. ट्रायंगुलर शेप, अम्ब्रेला शेप. अम्ब्रेला की बेल शेप, इनवर्टेड अम्ब्रेला. ना, बेल शेप है ना. इसका आंसर होगा बेल शेप. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. एलन रूल क्या है? एलन रूल्स, जो पहाड़ी पे लोग रहते हैं उनके कान छोटे होते हैं और उनके छोटे होते हैं. हाँ, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स हैव शॉर्टर ईयर एंड लिम्स टू मिनिमाइज द हीट लॉस. नेक्स्ट, फैट लेयर ब्लबर BLUBBR फाउंड इन whale. किसे पाया जाता है? whale. Aquatic mammals whale और dolphin. Whale, seal, dolphin. Next question. Altitude sickness occur in पहला option Kerala, रोहतांग, तमिलनाडु, रोहतांग्स एंड मनाली. कहाँ होती? रोहतांग. हाँ, यस, रोहतांग एंड मनाली. नेक्स्ट क्वेश्चन. 3500 मीटर जो ऊपर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है. number of births during a given period
इन द पॉपुलेशन, इन द पॉपुलेशन, ठीक है, इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड, दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी, टू द इनिशियल डेंसिटी, बताइए क्या होगा? ठीक, रेस्ट, नेटिलिटी या बर्थ रेट, नेटिलिटी और बर्थ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जे शेप ग्रोथ कर्व, जे शेप ग्रोथ कर्व के लिए इक्वेशन कौन सी होती है? डीएन अपॉन डीटी इज इक्वल टू आर एन, डीएन अपॉन डीटी इज इक्वल टू आर एन। नेक्स्ट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन में ई की वैल्यू क्या होती है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन में ई की वैल्यू कितनी होती है? अरे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन होती है एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई, उसको लिखते हैं हम आर टी, तो ई की वैल्यू कितनी होती है? नेचुरल लॉग की होती है 2.7182। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, बताइएगा आर वैल्यू ऑफ नॉर्वे रेट 0.015 आर वैल्यू ऑफ नॉर्म, कौन सा रेट था? नॉर्वे रेट 0.015 आर वैल्यू ऑफ, आर वैल्यू फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया, ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया 0.02 0.02 0.05। नेक्स्ट, आर वैल्यू ऑफ फ्लोर बीटल, आर वैल्यू ऑफ फ्लोर बीटल 0.12। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन बताइए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन क्या होती है? एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई, ई के ऊपर क्या है? आर टी, ठीक है, एन नॉट इज इक्वल, सॉरी एन टी इज इक्वल टू, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई आर टी, ठीक है। एक बार फिर रिवाइज करें, कौन सा क्वेश्चन क्या था? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई आर टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेस्टिक ग्रोथ इक्वेशन में डीएन अपॉन डीटी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के, डीएन अपॉन डीटी इज इक्वल टू आर एन, और ब्रैकेट करेगा अपने के माइनस एन अपॉन के, हियर के इज कैरिंग कैपेसिटी, के इज कैरिंग कैपेसिटी एंड आर इज इक्वल टू इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक रेट ऑफ, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंडिकेटर ऑफ नेचुरल इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस माइनस कॉम्पिटिशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस एंड जीरो, माइनस एंड जीरो शो द कॉमन सेल्स, नहीं एम एन सेल्स, एम एन सेल्स, एम एन सिरिजिम नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंटरेक्शन बोथ स्पीशीज बेनिफिटेड इन, इन इंटरेक्शन बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड इन म्यूचुअलिज्म एंड बोथ लूज इन कॉम्पिटिट, बोथ लूज इन कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिशन, नेक्स्ट
in which interaction only one species is benefited, only one species is benefited while other is harmed. ऑप्शन तो है कितने से चार तो छह हैं तो याद नहीं आ रही एक बेनिफिट है एक दूसरे का दो सेम है हाँ। ये है सर आपका प्रेडेटर प्रेडेटर और पैरासिटिज्म प्रेडेटर एंड पैरासिटिज्म पैरासिटिज्म ठीक है राइट प्लस एंड माइनस प्लस एंड माइनस प्रेडेटर एंड पैरासिटिज्म नेक्स्ट क्वेश्चन One species is benefited while other is neither benefited nor harmed. Commensalism. Commensalism. Right. Commensalism. Okay? Next question. One species is harmed while other is neither benefited nor harmed. Emensalism. 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 Next question. Monarch butterfly is highly distasteful. Chemical की वजह से उसमें chemical. Why monarch butterfly is highly distasteful? Chemical होता है उसमें. Its larva means caterpillar feed the poisonous weed. तो वो केमिकल तो उसमें डेवलप होता ना उसके बाद आप आंसर देते पॉइजनस वीड तो बीमारी इट्स कैटरपिलर फीड द पॉइजनस वीड विच मेक द डिस्टेस्टफुल ऑफ मोनार्क बटर फ्लाई नेक्स्ट क्वेश्चन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस हाँ अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं जानते पहला ऑप्शन है थॉर्न्स एंड अकेशिया थॉर्न्स एंड अकेशिया दूसरा लिखे कैक्टस एंड जेट्रोफा कैक्टस एंड जेट्रोफा तीसरा लिखे कैक्टस एंड शुगर केन बताइए कौन सा सारे ही तो सारे क्या सोचेंगे कैक्टस भी है अकेशिया भी है तो बस थॉर्न्स एंड अकेशिया ही होगा ना तो कैक्टस वाला इसके साथ वाला सही नहीं है पेयर में तो थॉर्न्स एंड अकेशिया वैसे मॉर्फोलॉजिकल देखिए मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है थॉर्न्स में अकेशिया में कैक्टस में है ना थॉर्न्स अकेशिया और कैक्टस नेक्स्ट क्वेश्चन वीट कैलोट्रोपिस प्लांट ग्रो इन पहला ऑप्शन वेटलैंड दूसरा हिल एरिया तीसरा Abandoned field. कौन सा आंसर वेटलैंड नोट करें वीट कैलोट्रोपिस ग्रोइंग इन abandoned field. ABANDONED. Abandoned field. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन few plants produce quinine caffeine and nicotine for what purpose defense mechanism yes defense against the grazer and browsing animals नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए
एबिंगडन टॉर्टस फाउंड इन विच ग्रास ऑन एबिंगडन टॉर्टस फाउंड इन विच आईलैंड एबिंगडन टॉर्टस फाउंड इन गैलापागोस आईलैंड गैलापागोस आईलैंड इसी पे डार्विन फिंचेस भी पाई जाती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए विच डिफाइंड एज ए प्रोसेस वी डिफाइंड एज ए प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज मेजर इन टर्म्स ऑफ द आर इट्स आर the intensity rate of increase is significantly low in the presence of another species. which interaction best defined as a process in which the fitness of one species is significantly lower in presence of another species. Answer likhe iska. Competition. Good. Next question. Five closely related species. Of warblers living on the same tree without any competition and coexist due to behavioral differences in their foraging activity ये लाइन किसने कही थी आपको ये बताना है. ये किसने कहा तो बताना आपको. ऑप्शन दे दिया. पहला ऑप्शन कॉर्नेल एलिगेंट कॉन्स्टेंजा तीसरा है विलियम हार्वे दूसरा वाला स्टैंड और चौथा है मैक आर्थर इसका आंसर है मैक आर्थर आप भूल गए थे मैक आर्थर. नेक्स्ट क्वेश्चन जो भूल जाएगा उसे लिख लिया करो. ऑप्शन लिख क्या रहा है. नहीं गलत बात तो याद करो. कॉर्नेल एलिगेंट्स फील्ड एक्सपेरिमेंट शो सुपीरियर स्पीशीज एलिमिनेट द लोअर स्पीशीज तो ये डोमिनेंस शो करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन को एग्जिस्ट एंड को एक्सटिंक्शन पहला ऑप्शन पैरासिटिज्म दूसरा को एग्जिस्ट को एक्सटेंशन पैरासिटिज्म फिर म्यूटलिज्म ठीक है. और तीसरा लिखे कंपटीशन बस बताइए आंसर पैरासिटिज्म पैरासिटिज्म एंड म्यूटेशन भी
म्यूटेलिज्म भी, पैरासिटिज्म एंड म्यूटेलिज्म, पैरासिटिज्म एंड म्यूटेलिज्म। म्यूटेलिज्म कैसे हो गया? दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं साथ। अच्छा, एक साथ मर जाएंगे लाइक इन नहीं तो क्या था? एक तो कॉमन म्यूटेलिज्म और म्यूटेलिज्म, पैरासिटिज्म और प्रीडेशन। प्रीडेशन भी है, प्रीडेशन ये तो हो गया, वो पैरासिटिज्म और प्रीडेशन अलग अलग होता है। प्रीडेशन, पैरासिटिज्म और बेनिफिट, वो तो यही होगा म्यूटेलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टोपैरासाइट ऑफ द मैराइन फिशेस। बताइए एक्टोपैरासाइट ऑफ द मैराइन फिशेस। एक्टोपैरासाइट ऑप्शन देंगे। पहला ऑप्शन कैस्कटा, दूसरा कोपपॉड, कोपपॉड, तीसरा वास्प, तीसरा क्या वास्प, चौथा नन। बताइए मैनी मैराइन फिशेज आर इन्फेस्टेड विद एक्टोपैरासाइट कोपपॉड, COPEPODS लिख गया, COPEPODS। नेक्स्ट, नेक्स्ट थिंग ब्रूट पैरासिटिज्म, ब्रूट पैरासिटिज्म फाउंड इन विच बर्ड्स स्पीशीज? कोयल और तुम्हारा क्रो, कुकूज एंड क्रो, कोयल क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो एलवी से लिखा हो कोयल। ब्रीडिंग सीजन ऑफ कुकूज बताइए, ब्रीडिंग सीजन ऑफ कुकूज। स्प्रिंग टू समर, स्प्रिंग टू समर, ठीक है स्प्रिंग टू समर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्चिड, ऑर्चिड इज ए, पहला ऑप्शन एक्वेटिक प्लांट, एपिफाइट, पैरासिटिक। बताइए ऑर्चिड, हाँ एपिफाइट, कौन सा इसमें एपिफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्लाउन फिश, क्लाउन फिश मेक द कॉमन सेलिज्म, कॉमन सेलिज्म इंटरेक्शन विद विद बताएं, सी एनिमोन। आंसर क्या है? सी एनिमोन। नेक्स्ट, लाइकेन, देखिए लाइकेन इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रोबियल, बिटवीन माइक्रोबियल, अरे लाइकेन फंजाई और लाइकेन होता है, लाइकेन रिप्रेजेंट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई और एल्गी में होता है, लाइकेन एक्ट होता है, फंगस एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, तो ये तो लाइकेन बनाएगा। हाँ ठीक है, फंगस भी है, एल्गी भी और साइनोबैक्टीरिया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिए, सीड कैन नॉट ग्रो विदाउट माइकोराइजा। बताइए सीड कैन नॉट ग्रो विदाउट माइकोराइजा, क्या बताना? किस प्लांट के ये सीड ग्रो नहीं करते? ऑप्शन, ऑप्शन, सर ऑप्शन बताइए, ऑप्शन ऑप्शन। पहला ऑप्शन साइकस, दूसरा फोनिक्स, तीसरा पाइनस। बताइए साइकस, पाइनस, इसके सीड ग्रो नहीं करते पाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेग्यूम्स बी विल्डरिंग डाइवर्सिटी शोन बाय द,
बिल्डिंग डाइवर्सिटी इज शोन बाई बी बिल्डिंग BEWILDERING डाइवर्सिटी शोन बाई द बी बिल्डिंग बी बिल्डिंग डाइवर्सिटी शोन बाय द शेडो पॉपुलेशन ऑफ यस ऑर्चिड ऑफ वायरस हाँ ऑर्चिड में जो है ऑर्चिड शो द बी बिल्डिंग डाइवर्सिटी लिखे नोट करें ऑर्चिड शो द बी बिल्डिंग डाइवर्सिटी लिख लो भाई वो तो है नेक्स्ट सेक्सुअल डिसीड वाला हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये कोएवोल्यूशन एग्जिस्ट इन पहला ऑप्शन म्यूटलिज्म को सर ये आता है तुम्हारा पहला ऑप्शन है कॉम्पिटिटर प्रीडेटर दूसरा पैरासिटिज्म तीसरा कमेंसलिज्म कौन सा है क्या था कमेंसलिज्म प्रीडेटर और सही कौन होते थे प्रीडेटर वाला होगा प्रीडेटर वाला होगा प्रीडेटर वाला अच्छा क्या है कोएवोल्यूशन आंसर क्या है क्वेश्चन क्या था कोएवोल्यूशन पूछा था क्वेश्चन क्या पूछा था बता सीड कैन नॉट जर्मिनेट नहीं वो तो हो गया था पाइनस हो गया हाँ पाइनस हो गया दूसरा क्या था कोएवोल्यूशन का कोएवोल्यूशन एसोसिएशन हाँ तो इसमें मिल जाएगा प्रीडेटर नहीं नहीं ये पैरासिटिज्म हाँ कोएवोल्यूशन मतलब म्यूटलिज्म में हाँ कोएवोल्यूशन मिलता है म्यूटलिज्म में ठीक है कोएवोल्यूशन मिलेगा किसमें म्यूटलिज्म में नेक्स्ट क्वेश्चन कैटल एग्रेट और ग्रेजिंग कैटल कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल इन क्लोज एसोसिएशन इन क्लोज एसोसिएशन ठीक है ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कॉमन सेलिज्म यस राइट कॉमन सेलिज्म क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कॉमन सेलिज्म नेक्स्ट क्वेश्चन एंडोपैरासाइट ऑफ द आरबीसी बताएं एंडोपैरासाइट ऑफ द आरबीसी एंडोपैरासाइट ऑफ द आरबीसी प्लाज्मोडियम मलेरिया लिखो प्लाज्मोडियम एंडोपैरासाइट ऑफ आरबीसी गैमेट्स होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्सुअल डिसीड बम्बल बी प्लांट है ऑर्चिड ऑफ वायरस प्लांट कौन सा है ऑर्चिड ऑफ वायरस हाँ ऑर्चिड ऑफ वायरस नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लांट्स ऑफर रिवार्ड और फीस इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर पॉलन एंड नेक्टर ठीक है फॉर पॉलिनेटर एंड जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट फॉर एंड जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट्स फॉर पॉलिनेटर अरे पॉलिनेटर तो हो चुका फॉर सीड डिस्पर्सर फिर से मिला नहीं बार प्लांट ऑफर रिवार्ड्स और फीस इन द फॉर्म ऑफ पॉलन एंड नेक्टर फॉर पॉलिनेटर एंड जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट फॉर सीड डिस्पर्सर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल वास्प ले देयर एग इन विच फिग, आंसर लिखे इसका फिग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखे लिखिए, क्वेश्चन पूरे हो गए हम, मेरे ख्याल से तो रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, अगला लिखिए, गॉस प्रपोज द विच गॉस प्रपोज द विच प्रिंसिपल्स, आंसर है कंपटीटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कंपटीटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन कंडीशनल है लेकिन ये भी लिखिए, ट्रेमेटोड पैरासाइट, ट्रेमेटोड पैरासाइट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, आंसर है फेशियोला, लिखो फेशियोला लीवर फ्लू, लीवर फ्लू, हाँ लीवर फ्लू और फेशियोला इज ए ट्रेमेटोड पैरासाइट। एंड डिपेंड ऑन टू इंटरमीडिएट होस्ट, एंड डिपेंड ऑन टू इंटरमीडिएट होस्ट, बताइए कौन कौन से हैं, स्नेल एंड फिश, यही आंसर है स्नेल एंड फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नोट करें, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड कम्बेंसलिज्म, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड कम्बेंसलिज्म शेयर ए कॉमन कैरेक्टर, बताइए शेयर ए कॉमन कैरेक्टर, प्रीडेटर, पैरासिटिज्म, कम्बेंसलिज्म शेयर ए कॉमन कैरेक्टर, प्रीडेटर और पैरासिटिज्म, एक स्पेशियल बेनिफिट होता है, एक स्पेशियल बेनिफिट होता है तीनों, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कम्बेंसलिज्म शेयर ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, एक स्पेशियल बेनिफिट होता है इसमें, क्या होता है इंटरैक्टिंग स्पीशीज, इंटरैक्टिंग स्पीशीज लाइव क्लोजली टुगेदर, लिव क्लोजली, हाँ उनके साथ रहते हैं ना, प्रीडेटर वहीं रहेगा जहाँ प्रे होगा, पैरासाइट वहीं रहेगा जहाँ होस्ट होगा, है ना, तो दोनों एक साथ रहते हैं, तो इंटरैक्टिंग स्पीशीज लाइव क्लोजली टुगेदर। और ये क्वेश्चन आ जाए कि इंटरैक्टिंग स्पीशीज लाइव क्लोजली टुगेदर, तो आपके लिखेंगे प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड कॉमन सेलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ कर्व याद कर लीजिएगा। ये बताइए ग्रोथ कर्व में वर्टिकल पोजीशन में क्या शो करते हैं? डेंसिटी। यस, पॉपुलेशन डेंसिटी को शो करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज दियर रिप्रोडक्टिव फिटनेस। पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज दियर रिप्रोडक्शन फिटनेस कॉल्ड। कॉम्पिटिशन होता है। ये आंसर आप जरूर बताएं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज दियर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, इसका आंसर है डार्विनियन फिटनेस। ठीक है, डार्विनियन फिटनेस, हाई आर वैल्यू। आर वैल्यू कैसी होती है इसमें? हाई। Some organisms breed only once in their lifetime. बताइए। Some organisms breed only once in their lifetime. Bamboo? हाँ, कुछ organisms अपनी लाइफ में केवल एक बार ब्रीड करते हैं। Specific salmon fish और bamboo. Pacific salmon fish and bamboo. Pacific है? Pacific. PACI. मगर यहाँ पे ध्यान रखना। Perennial मोनोकार्पिक बैम्बू प्लांट है, पेरिनियल मोनोकार्पिक। ठीक है, आई क्वेश्चन ही आ जाए, मोनोकार्पिक, ठीक है, मोनोकार्पिक और पेरिनियल प्लांट कौन सा है? नहीं, मोनोकार्पिक क्या कहते हैं, सीजनल प्लांट बताइए। सीजनल प्लांट, हाँ, मोनोकार्पिक, बल्कि यूं कर दीजिए आप, मोनोकार्पिक एंड बायएनियल प्लांट। बायएनियल प्लांट, हाँ, दो बार वो करते हैं। हाँ, बाय मोनोकार्पिक एंड बायएनियल प्लांट है, मोनोकार्पिक भी है और बायएनियल भी है। हाई एल्टीट्यूड पर आरबीसी काउंट क्यों बढ़ जाता है? हीमोग्लोबिन कम रहता है। हाई एल्टीट्यूड पर आरबीसी काउंट क्यों बढ़ जाता है? ऑक्सीजन का प्रेशर जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है। लो ऑक्सीजन हो जाता है ना, इसलिए लो ऑक्सीजन प्रेशर, हाँ, लो ऑक्सीजन प्रेशर हो जाता है, जिस वजह से आरबीसी काउंट बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी कम हो जाती है। ये आंसर, ठीक है, सुन गए? ये तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ एज पिरामिड, एज पिरामिड के टाइप बताएं कौन कौन से हैं? एक्सपेंडिंग, स्टेबल, डेक्लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा पिरामिड है, एज, कौन सा एज पिरामिड शो ये करता है पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है? डिक्लाइन वाला। ठीक है, देखिए, which mammal depend on the metabolic water and never drink the water, बताइए। कंगारू रैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट ऑक्सीडेशन किया, देखिए, एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन बताइए। एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो।
ठीक है। नेक्स्ट एस्टिवेशन किसे कहते हैं? एस्टिवेशन उत्तर हाइबरनेशन की तरह होता है जो गर्मी में बचने के लिए लोग उतरे आते हैं। समर स्लीप। हाँ सपर से समर स्लीप। समर स्लीप ये तो कह रहा हूँ हाइबरनेशन की तरह। एस्टिवेशन इज शोन बाय बताइए एस्टिवेशन को कौन शो करता है? फ्रॉग। फ्रॉग पता हो तुम्हें? फ्रॉग पता हो तुम्हें? स्नेल एंड फिश गो इन टू द एस्टिवेशन। स्नेल एंड फिश ठीक है गो इन टू द एस्टिवेशन। तो इसमें आप स्नेल भी लिखेंगे फिश भी लिखेंगे और एम्फीबियंस भी। नेक्स्ट ज़ेरिक एडेप्टेशन फीचर ऑफ द ज़ेरिक एडेप्टेशन। पहला ऑप्शन सनकनिस्टोमेटा एंड फिलोक्लेड। दूसरा ऑप्शन फिलोड एंड क्लेडोड। तीसरा ऑप्शन क्या प्रोजेनकाइमा एंड एरनकाइमा। क्या आंसर है इसका? दोनों ही है। फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन Which type of stomata found in camp plant? Scotoactive stomata. Next. Kyoledo National Park or Kyoledo National Park? Located in Bharatpur. ठीक है Bharatpur in Rajasthan. ठीक है आर located in पहला ऑप्शन अभी तो बता दिया आपने located. पहला ऑप्शन डिजर्ट एरिया हिल एरिया वेटलैंड एरिया ठीक है हेलोफाइट ना वेटलैंड एरिया बताइए। ये हमारा डेजर्ट एरिया। कौन सा? डेजर्ट एरिया। क्योलेडो नेशनल पार्क वेटलैंड एरिया में। वेटलैंड एरिया डिजर्ट में तो पानी वैसे नहीं मिलेगा एरिया लिख रहे हैं। क्योलेडो नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान लोकेटेड इन वेटलैंड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोरेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। दिस इज ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल लाइक बताएं श्रूज एंड हमिंग बर्ड। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हाइबरनेशन इज ए विंटर स्लीप। ठीक है
विंटर स्लीप। हाँ, हाइबरनेशन कौन शो करता बताइए? हाइबरनेशन को पोलर बियर, पोलर बियर और एक ही बहुत है, फ्रॉग भी करते हैं, एम्फीबियंस है, स्नेक भी करते हैं। हाइबरनेशन, हाँ हाइबरनेशन सवाल में तो जाता है ना, सही। एम्फीबियंस भी करते हैं, फ्रॉग भी करते हैं, और हाइबरनेशन तो रेप्टाइल भी करते हैं, रेप्टाइल भी करते हैं है ना, रेप्टाइल भी करते हैं, ठीक है, और फिश करती है, हैं फिश। हाइबरनेशन जाड़ों में तो अंदर जाती है, तो वो तो पानी में और नहीं जाती है पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन, अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन जू प्लैंकटॉन स्पीशीज अंडर गो द, बताइए, डायपॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाबॉलिक इनएक्टिव स्टेज, डायपॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एंडोस्पोर। बैक्टीरिया, हाँ, फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल। यस, आंसर है इसका अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांट्स आर ऑस्मो कॉन्फर्मर, ऑस्मो रेगुलेटर, बताइए। कन्फर्मर्स, गलत हो गया क्वेश्चन, क्या था? प्लांट्स आर, प्लांट्स का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, करते हैं तो तुम्हारा ट्रांसपिरेशन से, नहीं तो मैंने पूछा कॉन्फर्मर क्या है, नहीं है ये, हाँ कॉन्फर्मर है, है कॉन्फर्मर है प्लांट्स, हाँ कॉन्फर्मर है, सही। प्लांट से जो होते हैं टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, करते तो है, नहीं थोड़ा बहुत करते, बस नहीं कर पाते थोड़ा बहुत, हाँ ठीक है, हो जाएगा ये ऑस्मो कन्फर्मर, कॉन्फर्मर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट हो,